मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदर्श पत्रिका का यूट्यूब चैनल 10 तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करौली की अद्भुत गाथाएं। अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला में आज हम आपको लिए चलते हैं गुप्त मंदिर। हनुमान जी का एक गुप्त मंदिर है ना, कश्मीरी गेट के पास है ना। आपको मैंने वाकई लाइव दर्शन भी कराए हैं और वहां पर स्वामी नारायण जी सेवक के रूप में रहे। स्वामी नारायण जी तो अब चले गए हैं, नारायण स्वामी जी। अब उनके पुत्र गोपाल स्वामी जी वहां सेवारत हैं। मित्रों मैंने आपको पहले बताया था कि गुप्त मंदिर में वही जा सकता है जिसे हनुमान जी स्वयं बुलाते हैं। तो एक भक्त का अनुभव आज हम आपसे शेयर कर रहे हैं। फरीदाबाद की रहने वाली हैं, नाम है शैलजा। कई अनुभव उन्होंने सुनाए हमें, एक अनुभव आपसे साझा कर रहा हूं। शैलजा जी वृंदावन आश्रम से दर्शन करके आई हैं और उन्होंने एक दिन वीडियो देखा गुप्त मंदिर का। उनकी इच्छा हुई कि हम भी गुप्त मंदिर में दर्शन करने जाएं, लेकिन बुलावा नहीं था ना। छोटे हनुमान जी बड़े हनुमान जी दोनों हैं वहां पर, आप फोटो देख सकते हैं। बड़े हनुमान जी और छोटे, बड़े ऊपर है नीचे छोटे हैं। और छोटे हनुमान जी कैसे मिले, कहां से आए, ये मैं आपको बता चुका हूं। फिर कभी अगर जरूरत हो तो उस एपिसोड को देख लीजिएगा, पूरा पूरा एक इतिहास है, क्योंकि मैं आज आपको नई बात बताने जा रहा हूं। शैलजा जी फरीदाबाद से चलते हैं दिल्ली के लिए। शाम का वक्त है, सोचा ये है कि शाम को जब चलेंगे तो वहां पर आरती में हिस्सा लेंगे, आरती में शामिल होंगे। आप चले आते हैं परिवार सहित, उनके पिताजी हैं, बेटी है, और गाड़ी शैलजा जी चला रही है। गाड़ी को कहीं जाम मिल जाता है, कहीं रेड लाइट मिलती है तो रुकना पड़ता है। तो उस समय ये प्रार्थना करती हैं कि आज दर्शन महाराज जी हो जाए और आरती में भी सम्मिलित होने का मौका मिल जाए। इसी तरह से जब वो वहां पर पहुंचती हैं तो उस समय लगभग आरती का ही समय हो रहा होता है। लेकिन होता क्या है कि मंदिर कश्मीरी गेट पर जहां है, तिब्बती मार्केट के जो पार्किंग है उसमें, तो उधर से वो निकल जाती है थोड़ा सा आगे। उनकी बेटी बताती है कि यही मंदिर है, निकल गया बाबा जी का मंदिर। आप आगे जाते हैं और आगे जाके जब बैक होके आते हैं तो गाड़ी खड़ी की, गाड़ी अभी साइड में ले रहे हैं, उसी समय वहां कुछ उनको भिखारी दिखाई पड़ रहे हैं, भिखारी बैठे हैं 8-10। उनमें से एक भिखारी उनके पास आता है, कहता आपकी तो पेट्रोल बह रही है, ये सब निकली आ रही, देखिए आप ऐसे। वो तत्काल गाड़ी से उतरती हैं, देखती हैं, देख रही हैं टंकी से पेट्रोल बह रहा है और इतनी तेजी से बह रहा है कि लगता है टंकी खाली हो जाएगी। वहां पर एक पुलिसमैन को ये कहता है कि कोई बोतल लगा दो, ये सब बह जाएगी, कैसे कैसे चलाओगे गाड़ी आप। उनका हमारे पास बोतल नहीं है। अब बोले गाड़ी तो आपकी अब स्टार्ट भी नहीं होगी। तो वो जो भिखारी है वो ये कहता है कि आप जल्दी से जाओ मंदिर, तो बाद में चले जाना, लेकिन तुम इस गाड़ी अपनी गाड़ी को पहले सही कराओ, नहीं तो आपको जाना है यहां से और रात हो रही है और मैकेनिक नहीं मिलेगा, फिर दिक्कत हो जाएगी। गाड़ी कि ड्राइविंग सीट पर आप बैठती हैं, गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करती हैं, गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। अब गाड़ी जब स्टार्ट नहीं होती है और पेट्रोल लगातार उससे निकल रहा है, अब बड़ी समस्या है, क्या करें। वही
जो भिखारी है जिसने कहा था कि पेट्रोल निकल रहा है वो दोबारा आता है वहां पर, और एक उनसे छोटे से कद का पतले से शरीर का एक और भिखारी उनके साथ चला आता है। अब शैलजा जी अपनी पुत्री से कहती हैं, पिताजी से कहती हैं कि थोड़ा सा धक्का लगाओ गाड़ी में, देखें धक्का से स्टार्ट हो जाए। वो दो भिखारी हैं वो ये कहते हैं कि मैं धक्का लगा देता हूं। वो लोग गाड़ी में बैठे रहते हैं, दो लोग गाड़ी में धक्का लगाते हैं, गाड़ी स्टार्ट हो जाती है और शैलजा जी अपनी गाड़ी लेके आगे मैकेनिक की खोज में चली जाती है। मैकेनिक मिल गया है, गाड़ी को रिपेयर किया है और वो गाड़ी लेके घर चली जाती है। बड़ी निराशा है मन में कि हम फरीदाबाद से गुप्त मंदिर में दर्शन करने गए, वहां दिक्कतें और हो गई है, गाड़ी का पाइप फट गया, उसे संभलवाया, फिर गाड़ी खिंचवाई, गाड़ी में पेट्रोल डलवाया, फिर इधर ले गए, फिर क्या ये सब हो गया, लेकिन दर्शन नहीं दिए महाराज जी ने। यही सोच विचार करके गिला शिकवा कर रही हैं और अपना आदतन जो शाम को YouTube देखने की आदत है या महाराज जी से मिलने की आदत है तो उन्होंने उसे क्लिक किया। उसमें सुधीर दादा का एक एपिसोड आ रहा था, दस्तक मीडिया की बात कर रहा हूं मैं, और सुधीर दादा को जो देखा, उन्होंने सुधीर दादा के एपिसोड नहीं देखे थे तब तक, जैसे ही सुधीर दादा को देखा, बताती हैं शैलजा जी कि उछल के मैं बैठ गई, मैंने अपनी बेटी को बुलाया और कहा कि धक्का जो देने वाला आदमी था, जो दुबला पतला सा आदमी, पतला सा जो कोटी पहने हुआ था, कंधे पे तौलिया थी, यही तो था। और महाराज जी जो का चेहरा नहीं दिखाई पड़ रहा था, लेकिन जो कदकाठी थी वो महाराज जी जैसी थी, बड़े वाले भिखारी की हमें क्या मालूम था। अब तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सच में जब उन्होंने ये सारी कथा हमको सुनाई कि वहां पर भिखारियों की जो लाइन थी वो केवल शैलजा जी को दिखाई पड़ी थी, उन्होंने अपनी बेटी से कहा कि तुमने भिखारियों को वहां देखा था बैठे? उन्होंने कहा मैंने और भिखारियों को नहीं देखा था, उन दो लोगों को देखा था जिन्होंने गाड़ी में धक्का मारा था, और ये आदमी, पतला वाला आदमी, ये तो बिल्कुल यही आदमी है, इसी ने धक्का मारा था, एक जो मोटा सा तगड़ा सा आदमी था उसके साथ यही आदमी था। अब तो एकदम ऐसी स्थिति हो गई, आप समझे ना क्या हुआ था, क्योंकि वो महाराज जी को पहचानती थी चेहरे से, तो महाराज जी ने अपने स्वरूप में दर्शन नहीं दिया उनको, सुधीर दादा को उन्होंने साक्षात देखा। तो महाराज जी के साथ सुधीर दादा आज भी है और शैलजा जी को दर्शन दिए। आप देखो मंदिर नहीं अंदर गई वो, बाहर ही आके महाराज जी ने और सुधीर दादा ने, ये पहली घटना है मुझे अब तक जितनी गाथाएं सुनाई उनमें, ये पहला एक ऐसा अनुभव है जहां सुधीर दादा महाराज जी के साथ दिखे हैं, दोनों लोग साथ में। शैलजा जी बहुत रोई हैं, बताते बताते भी बहुत एकदम ऐसी हो गई हैं जिसे शब्दों से नहीं कहा जा सकता। कई बार सूखी हैं और बताते हैं कि मुझे जाने क्या हो गया, जिनके दर्शनों के लिए मैं यहां से वहां भाग रही थी और वही हमारी गाड़ी में धक्का लगा रहे थे, हम लोग बैठे थे गाड़ी में। ये एक बहुत अनूठा अनुभव उन्होंने शेयर किया है, ये हम आप सबको इसलिए बता रहे हैं कि थोड़ा सा सतर्क रहिएगा, महाराज जी दर्शन देते हैं पता नहीं चलता। अब महाराज जी को अगर वो पहचानती होती तो वो है ना, महाराज जी को तो चेहरे से पहचान लेती हैं अगर उसी रूप में आते। महाराज जी बदले रूप में आए और सुधीर दादा उसी रूप में आए, है ना, आपने तो देखा धोती बांधे हैं, ऊपर से जैकेट पहने हैं, तौलिया डाले हैं, कई चित्र प्रकाशित हुए हैं धर्म दृष्टि में।
बहुत सौभाग्यशाली हैं शैलजा जी और वो सभी भक्त जिन्हें महाराज जी किसी न किसी रूप में दर्शन देते हैं। शैलजा जी की गाड़ी में वो धक्का लगाया है, गाड़ी को स्टार्ट किया है, अपने मंजिल की तरफ उन्होंने वहां से भेज दिया, मंजिल मिल गई। महाराज जी दस्तक मीडिया के सभी श्रोताओं को भक्तों को आप अपने मन स्थिति से उनकी जीवन रूपी गाड़ी में धक्का लगा दें और जो सभी अपने सुख आनंद से अपने मंजिल पर पहुंचे। आपके पास भी कोई अनुभव है तो जरूर भेजिएगा, मैं आपको सुनाऊंगा। जय बाबा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारे अपडेट वीडियो